Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, hello, my name is Shagun and you are watching Learn with Shagun. In this video, we are going to study about Wilkinson's catalyst. हम विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, होता क्या है और यूज़ किस लिए होता है, कैसे इसके साथ हम जो है वो हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे. दिस इज अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स अगर आप देखें तो, और ये रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है. रोडियम के साथ क्लोरीन और ट्राइफिनाइल फोस्फीन जब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसे ही विल्किंसन कैटलिस्ट कहा जाता है. इसका जो नाम है, अकॉर्डिंग टू द नॉमेनक्लेचर, इट इज क्लोरीडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन रोडियम. इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कॉम्प्लेक्स में रोडियम का, दिस इज वन, इसीलिए यहाँ पे वन रिप्रेजेंट किया गया है. क्लोरीडो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एज अ लिगेंड वन क्लोरीन इज अटैच्ड और ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्रिस प्रीफिक्स लगाया गया है बिकॉज ट्राइफिनाइल फोस्फीन इज अ कॉम्प्लेक्स लिगेंड इसके साथ अटैच्ड है, तो तीन लग रखे हैं इसलिए ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन है. उसके बाद द थिंग इज कि होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट है ये. होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट से मतलब क्या है कि ये होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है एज अ कैटलिस्ट. अब ये रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट्स की तरह सेम ही फेज में उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर हाइड्रोजिनेशन, मतलब कि हाइड्रोजन का जो एडिशन है उसे करवाते हैं रिएक्टेंट के ऊपर एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए. जैसे कि यहाँ पे एल्कीन में एडिशन होगी और एल्केन बनेंगे. अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इसकी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है. एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे रोडियम है, यहाँ पे इसके साथ चार लिगेंड्स अटैच्ड हैं, इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है. ये जो सॉलिड वेजेस रिप्रेजेंट किए गए हैं, दिस इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होते हैं, इसीलिए सॉलिड वेजेस होते हैं. दीज टू विच आर रिप्रेजेंटेड डैश्ड, ये होते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अगर आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्लियर है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. इफ यू कैन सी, जो हमारा बीच में है, दिस इज द रोडियम एटम. ये हमारे पास दो जो है वो ट्राइफिनाइल फोस्फीन के मॉलिक्यूल्स हैं विच आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस, तो इसीलिए दीज आर रिप्रेजेंटेड विद द डैश्ड वेजेस ओवर हेयर. और यहाँ पे दीज टू, सपोज दिस इज क्लोरीन लिगेंड एंड दिस इज ट्राइफिनाइल फोस्फीन अगेन, दीज आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स अस, दैट्स वाई दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड वेजेस. सिंस दिस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट जो है वो एक स्क्वायर का शेप ले रहा है इन अ सिंगल प्लेन, इसीलिए इस शेप को कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर. दिस इज रोडियम और दीज आर पॉइंटिंग टू अवे फ्रॉम अस एंड दीज आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अस, दिस इज वाई इट्स अ स्क्वायर प्लेनर शेप. तो दिस इज हाउ स्क्वायर प्लेनर लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ विल्किंसन्स कैटलिस्ट वुड हैव लुक लाइक. सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू नोट ओवर हेयर इज कि इसका हाइब्रिडाइजेशन. अब इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DSP2. हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमें यहाँ पे रोडियम के बारे में जानना पड़ेगा. रोडियम जो होता है उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 45, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज बिट एक्सेप्शनल. जिस तरीके से उसे फिल किया जाता है, इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है दैट इज 4D8 and 5s1. अब 5s1 होता है, अब सिंस इट इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारे पास 5s1 तो रहता नहीं होगा, तो बचा क्या 4d8. अब हमारे पास d8 कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ये d8 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये 8 ऐसे रहते हैं, उसके बाद आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5s है, ये 5p है हमारा, राइट, ये है हमारे पास 4d, ये है 5s और ये है 5p. अब यहाँ पे क्या ये एम्प्टी होते होंगे, तो अब लिगेंड से लेने के लिए ये जो है ये पेयरिंग कर लेते हैं आउटरमोस्ट, ये दोनों पेयरिंग कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हमारे पास चार लिगेंड आते हैं जिसमें से कि तीन हमारे पास जो है वो ट्राइफिनाइल फोस्फीन होते हैं और एक क्लोराइड होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, एक इसने दे दिया एक लिगेंड ने पेयर, दूसरे ने दे दिया, तीसरे ने दे दिया और फोर्थ वन ने दे दिया, तो हमारे पास ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन विच इज DSP2. सिंस यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसका नेचर डायमैग्नेटिक है. सभी पेयर हो गए हैं इसीलिए द नेचर इज डायमैग्नेटिक.
तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इट इज सिलेक्टिव इन एक्शन। सिलेक्टिव इन एक्शन का मतलब क्या है, ये हमें बाद में पता चलेगा जब हम मैकेनिज्म को अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन बता दूं कि सिंस ये हाइड्रोजनेशन के काम आते हैं, तो कोई ना कोई कंपाउंड होगा जिसके ऊपर ये एक्शन अपना शो करेंगे, तो वो सिलेक्टिव होते हैं। मतलब कि जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड हमारे पास, मान लो एल्कीन्स को इन्होंने एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स को ये नहीं प्रेफर करेंगे, ये प्रेफर करेंगे लीस्ट सब्सटीट्यूटेड वंस को। तो नेक्स्ट चलते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो जो सॉल्युबिलिटी है, ये पोलर कंपाउंड्स में इनसॉल्युबल होते हैं जैसे कि वाटर, और सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स जैसे कि बेंजीन, टोलीन। टोलीन की स्पेलिंग गलत लिख दिए, टोलीन। दिस नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस विल्किंसन कैटलिस्ट। अभी तक हमने इसके बारे में स्टडी किया था, अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये एल्कीन को जो है वल्केन में कन्वर्ट करेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट। एन एल्कीन एंड विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अलॉन्ग विद द विल्किंसन कैटलिस्ट वी गेट एल्केन। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या स्टेप्स हैं, और उसके बाद हम डिटेल में इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है सबसे पहले, उसके बाद एल्कीन कोऑर्डिनेशन होती है, फिर थर्ड स्टेप में माइग्रेशन इंसर्शन होती है, फोर्थ स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है, और फिफ्थ स्टेप में कैटलिस्ट रीजनरेट कर जाता है। ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो कि कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में, तो उसने तो रीजनरेट ही करना है, तो यहां से रीजनरेशन हो सकती है। इनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स से हिंट लेके आप इन स्टेप्स को रिमेम्बर कर सकते हैं, OAMRR, इस तरीके से यू कैन रिमेम्बर इट। और अब हम इनके जो स्टेप्स हैं उन्हें थोड़ा डिटेल में करेंगे। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या रहता है कि हमारे पास ये है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। अब ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में अपनी जो है वो प्रेजेंट है विद ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन। अब इसमें जब हम ऑक्सीडेटिव एडिशन, मतलब कि हाइड्रोजन का जो है वो एडिशन होगा और ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। और ये एडिशन जो होता है इट्स अ सिस एडिशन, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और हमने पढ़ा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की हमेशा सिस एडिशन होती है। तो यहाँ पे सिस एडिशन जो है वो विल्किंसन कैटलिस्ट में शो की है। इसका जो ज्योमेट्री है इट चेंजेस इनटू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि सिक्स लिगेंड लग रखे हैं। अब हम इन स्टेप्स में देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। यहाँ ये जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ये जो चेंज होगी ये होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल में, जब इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी हाइड्रोजन की। अब यहाँ पे जो है वो हमने देखा कि सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री थी, लेकिन जब दो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो ये एक ऑक्टाहेड्रल सिक्स लिगेंड्स वाली ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो गया। बीच में रोडियम ही है और इसके साइड्स में इसके छह लिगेंड्स जो हैं वो लग रखे हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे फॉर्म हो गई है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पे सिस एडिशन हुई है हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, और बाकी इसके चार लिगेंड्स जो है उनकी रीअरेंजमेंट होकर तो दिस ज्योमेट्री इज फॉर्म्ड। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम का प्लस वन से इंक्रीज होकर प्लस थ्री में चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब दो और यहाँ पे हमारे जो लिगेंड्स हैं वो अटैच हो गए हैं इसके साथ। अब रोडियम के पास पहले यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब सिंस दो और लिगेंड्स आ गए हैं तो इसके पास अब 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और इतना स्टेप हमें क्लियर है कि कैसे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ इसके इसके ऊपर। अब इसे स्टेप को ही ऑक्सीडेटिव एडिशन कहते हैं, कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ट्राइफिनाइल फोस्फीन है, दे आर ट्रांस टू ईच अदर। अब हमने ट्रांस इफेक्ट पढ़ रखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अब नाउ वी नो कि जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो अब इसके ट्रांस में जो लिगेंड होगा उसे लिबाइल बना देगा, इसे ही ट्रांस इफेक्ट कहते हैं, राइट। जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है वो अपने क्या करता है कि अपनी पोजीशन के ट्रांस पे जो लिगेंड होता है उसे लिबाइल बना देता है। तो यहाँ पे इस वाले ट्राइफिनाइल फोस्फीन को ये जो है वो लिबाइल बना देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो है वो इससे डिटैच हो जाएगा, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, और कुछ फाइव एटम्स के साथ एक ट्राइगोनल बायोपिरामिडल मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस ट्राइफिनाइल फोस्फीन के एलिमिनेशन के साथ। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकेंड स्टेप विच इज एल्कीन कोऑर्डिनेशन।
अब इसके साथ विल्किंसन्स कैटलिस्ट जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है इसके साथ जो है वो एल्कीन का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ये जो इंटरमीडिएट बना था इसके साथ जो एल्कीन है वो कोऑर्डिनेट करेगा। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ना ये डाई हैप्टो बॉन्ड के थ्रू होगी। अब यहाँ पे आप बस एक चीज में ध्यान रखना कि यहाँ पे हर एक बॉन्ड की जो आपके पास स्पेस में ओरिएंटेशन है ना वो टाइम टू टाइम हर एक चीज के एडिशन के साथ चेंज होती जाएगी। जैसे अब यहाँ पे क्लोरीन है वो इस प्लेन में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही एल्कीन कोऑर्डिनेशन होगी वो दूसरे प्लेन में चला जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे बॉन्ड्स की और शेप्स तभी तो चेंज होती हैं जब हमारे पास लिगेंड्स के जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से एल्कीन कोऑर्डिनेशन होगी और दोबारा से ये दूसरी ज्योमेट्री फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एल्कीन कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो इस एल्कीन में से कोई भी पर्टिकुलर कार्बन जो है वो बॉन्ड जाकर नहीं बना रहा है हमारे रोडियम के साथ विल्किंसन्स कैटलिस्ट में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस मेटल के साथ, इसीलिए इसे एल्कीन कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और इसी तरीके से हम हैप्टिसिटी को पढ़ते हैं क्योंकि ये दो जो कार्बन हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड, ये इनके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं रोडियम के साथ, इसीलिए इसे एक डायहैप्टो बॉन्ड कहा जाता है। अब ये जो डायहैप्टो बॉन्ड है वो रोडियम के साथ बन रही है, ये एक तरीके की पाई बॉन्ड ही होती है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअल में इस बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि पार्शियली दोनों से ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन्हीं दोनों के बीच में जो है वो बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वही यहां पे बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इसे हम ऐसे लिखते हैं ना सिंपलर फॉर्म, इसी तरीके से हमने यहां पे इसे रिप्रेजेंट किया है। Now third step is migration insertion, and migration insertion is the slowest and hence the rate determining step, क्योंकि slowest step ही rate determining step होता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो जो है वो अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर जो हमारे पास एल्कीन का डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्ड जो शेयर कर रहा है उसके ऊपर करेगा अटैक और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। अब ये यहां से डिटैच होकर इसके साथ आकर बॉन्ड बनाएगा और यहां पे सिंस कार्बन की वैलेंसी तो चार ही हो सकती है तो अब यहां पे ये डबल बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं, तो यहां पे एक सिंगल बॉन्ड ही रह जाएगा, एल्कीन कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा और ये कार्बन जाकर डायरेक्टली जो है वो रोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से एल्कीन कोऑर्डिनेशन खत्म होगी और एक डायरेक्ट बॉन्ड जो है यहां पर एस्टैब्लिश होगी थ्रू माइग्रेशन इंसर्शन। और यहां पर एक ट्राइगोनल बायपिरामिडल मॉलिक्यूल जो है वो फाइव कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो दोबारा से यहां पे एक क्रिएट हो। उसके बाद हमारे फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होने वाला है, जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है ना इससे एक एक्टिव फॉर्म बनती है और एक एल्केन बनता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स से जो है हमारे पास एल्केन अलग हो जाएगा, इसीलिए इसे रिडक्टिव एलिमिनेशन कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑब्वियसली फिर इसका कम हो जाएगा। अल्काइल एंटिटी जो है वो यहां से हाइड्रोजन को लेकर एल्केन की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगी। सिंस ये दोनों एल्केन की फॉर्म में एलिमिनेट हो गए जुड़कर, तो यहां पे हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेटेड यहां पे कॉम्प्लेक्स रह जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स है जो कि एक विल्किंसन्स कैटलिस्ट का एक जो स्टेज है या एक फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है इसकी। और यहां से क्या होता है कि दोबारा से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है क्योंकि ये बहुत एक्टिव फॉर्म होती है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे ये रिएक्शन में दोबारा जो है वो पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि हाइड्रोजन है उसके साथ लगभग 10^7 टाइम्स कई बुक्स में लिखा है, कईयों में 8 लिखा है टाइम्स फास्टर जो है वो हाइड्रोजन के साथ फटाफट जो है वो बॉन्ड बना लेती है क्योंकि हमारा जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही, तो ये एक्टिव फॉर्म इतना जल्दी सुपर फास्ट उसके साथ बॉन्ड बनाकर तो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से ये भी डायरेक्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकती है जो थ्री कोऑर्डिनेटेड फॉर्म है, या फिर इसके बाद जो है ऑब्वियसली रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट होना ही है फिफ्थ स्टेप में, जिसमें कि हमने देखा था कि हमारे पास ट्राइफिनाइल फोस्फीन का मॉलिक्यूल जो है वो अलग हुआ था फर्स्ट स्टेप में। अब वो क्या होगा कि वो सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है राइट, तो वो आकर इस एक्टिव फॉर्म के साथ बॉन्ड बना लेगा और दोबारा से हमारा विल्किंसन्स कैटलिस्ट जो है वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में रीजनरेट हो जाएगा विद ऑक्सीडेशन स्टेट 1।
तो इस तरीके से सॉल्यूशन में जो चीजें प्रेजेंट हैं उनके साथ जो है वो रीजनरेट होकर ये दोबारा से फॉर्म हो गया है। अब इसको हम एक बार पूरे के पूरे रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो विल्किंसन कैटलिस्ट है, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन अंडरगो किया फर्स्ट स्टेप में जिसमें हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ, और फिर हमारे पास ये एक ऑक्टोहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना जिसमें हाइड्रोजन जो है वो सिस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड कर गए इसके साथ, यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है इसलिए ये ट्राइफेनाइलफोस्फीन जो है इसके ट्रांस में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये ट्रांस डायरेक्टिंग है तो ये फिर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट हो गया इस स्टेप में, और उसके बाद जब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास जो एक इंटरमीडिएट बना जो कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, एक फाइव कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आया हमारा एल्कीन कोऑर्डिनेशन का, उसमें यहाँ पे रोडियम के साथ एल्कीन कोऑर्डिनेशन होनी थी, एल्कीन की एडिशन हुई, यहाँ पे एल्कीन कोऑर्डिनेशन हुआ जहां पे डाई हेप्टो बॉन्ड बनी थी यहाँ पे रोडियम के साथ एल्कीन की। अब माइग्रेशन इंसर्शन के ड्यूरेशन में थर्ड स्टेप जो था उसमें हमारे पास एल्कीन कोऑर्डिनेशन खत्म हुई, डबल बॉन्ड जो है यहाँ से वैनिश हो गई और जो एल्काइल है वो डायरेक्टली रोडियम के साथ बॉन्ड बना लिया। ट्राइगोनल बायपिरामिडल जो कॉम्प्लेक्स है वो क्रिएट हो गया फाइव कोऑर्डिनेटेड। अब इसकी जो है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन हुई जिससे कि हमारे पास एक्टिव फॉर्म जो फिफ्थ स्टेप में आई थी रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद, अभी एक्टिव स्टेट क्या करती है कि ये फटाफट सुपरफास्टली क्या कर सकती है, 10^7 टाइम्स हमने पढ़ा कि डायरेक्टली ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर इस स्टेप से इस वाले स्टेप में यहाँ पे हम पहुंच सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली, अब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है तो अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले तो ये डायरेक्टली हमारे पास हम इस वाले स्टेप में पहुंच जाते हैं इस रिएक्शन के, तो इंटरमीडिएटली साइकिल में जो है वो सामने के सामने स्टेप भी यहाँ पे रिपीट हो सकता है, या फिर ये जो एक्टिव फॉर्म है ये जो सोल्यूशन में ट्राइफेनाइलफोस्फीन था जो कि एलिमिनेट हुआ था उसके साथ ऐड होकर दोबारा से विल्किंसन कैटलिस्ट जो है फाइनल स्टेप में रीजनरेट हो सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता है, आसान तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया विद अ लर्निंग ट्रिक। आई होप यू फाउंड समथिंग यूजफुल इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक।